गाइस, हाउ आर यू ऑल टुडे। मैं हूँ प्रेरणा, मेरे चैनल का नाम है सुपर ब्यूटी डिजाइनर्स। तो आज मैं आपको काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होंगी, है ना, बिकॉज आज मैं मेकअप करने वाली हूँ कियारा आडवाणी लुक का, और वो भी शेरशाह मूवी से। जो भी मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वो रहेंगे मेबेलिन के प्रोडक्ट्स। तो मैंने सब कुछ मेबेलिन का, मेरे पास जितना भी था सब कुछ मैंने निकाल लिया। एक दो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज भी किए हैं न्यू Amazon.in से बाय किया। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो चेक इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है हेयर स्टाइल कुछ करीब करीब बना ली है कियारा आडवाणी के टाइप की। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी आपके लिए। और मैंने इयर रिंग्स भी पहन लिए हैं, तो इयर रिंग्स उन्होंने इस तरीके के पहने हुए हैं उसमें। तो इयर रिंग्स मेरे पास थे लकीली, तो मैंने वो पहन लिए हैं। मैंने अपना दुपट्टा साइड में रख दिया है, वो मैं मेकअप के एंड में आपको पहन के दिखाऊंगी पूरा लुक कंप्लीट करके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, लेट्स बिगिन। गाइस, तो कियारा आडवाणी की जो स्किन है दैट इज़ वेरी वेरी ग्लोई, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले अपना फेशियल मॉइस्चराइजर। तो इसको लगा लेते हैं, उसके बाद में फाउंडेशन एंड ऑल अप्लाई करें। और हाँ, ये जो मेकअप वीडियो है ये एक चिटचैट मेकअप वीडियो है, तो आप ही मुझे बताना कि आपने जो है शेरशाह मूवी देखी या नहीं देखी। मैंने तो रिलीज होते ही देख ली, उसके सेकंड डे पर ही देख ली थी, बिकॉज आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द मूवी। बिकॉज आर्मी एंड ये पुलिस एंड आईपीएस ऑफिसर्स वाली कोई भी मूवी होती है ना, तो इट मेक्स मी एंड माय हस्बैंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी अबाउट इट। एंड लेट मी टेल यू कि जो मूवी है ना, इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। और मैं तो मतलब शेरशाह मूवी का मेरे को 1 वीक तक पूरा ओवरऑल इफेक्ट रहा था, आई वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग। अब हमारा मेबेलिन का मेकअप स्टार्ट होता है। तो मेबेलिन के मेकअप में सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन, जो कि है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन मैट कोल्डनेस फाउंडेशन। ये जो शेड है ना थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए, गलती से मैंने परचेज कर लिया था, तो मैं इसका बस एक ही स्पिन ले रही हूँ, एज यू कैन सी। ओके, तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये वाले ट्यूब वाला फाउंडेशन, जो कि है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये है शेड नंबर 115, इट इज मैचिंग विथ माई स्किन टोन। तो इसको ले लूंगी मैं थोड़ा सा अपने पाम्स पर भी, इसको मिक्स कर लूंगी। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फाउंडेशन आ गया जो कि डार्क हो, तो आप लाइटर फाउंडेशन के साथ में इसको मिक्स कर सकते हो, तो इट विल गिव यू अ एग्जैक्ट कलर। तो नाउ अब आप देख सकते हो अच्छा कलर इसने मुझे दे दिया है, तो चलो उसको अप्लाई कर देते हैं। मैंने लगा लिया है डॉटर्स करके। मैंने जो है अपना ब्यूटी ब्लेंडर इसमें बहुत टाइम से भिगो के रख दिया था, तो अब मैं इसको स्क्वीज कर लूंगी। ओके गाइस, तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया, तो हम कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं। जल्दी से कंसीलर लगाएंगे हम अंडर आई डार्क सर्कल्स पे। ओके, नाउ वी विल ब्लेंड दिस विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम मेबेलिन। ये है मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसमें ये स्पॉन्ज भी आया है। यस, हाँ, तो मैं आपको शेरशाह मूवी के बारे में बता रही थी। एक्चुअली आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, तो जैसे ही मैंने शेरशाह मूवी देखी ना, तो मैं इतना ज़्यादा क्राई कर रही थी, पूरे वीक तक मैं क्राई करती ही रही हूँ। उसके जो सॉन्ग्स हैं और उसकी जो थीम है पूरी मूवी की, इट मेड मी वेरी वेरी इमोशनल। मतलब अपने किसी पर्सन को इस तरीके से खो देना और लास्ट बाय कहना, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी। तो मैं पूरे वीक तक आई वॉज क्राइंग लिटरली, मतलब इतना ज़्यादा मुझे शेरशाह मूवी का इफेक्ट हो गया, बहुत। सो ओके गाइस, अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। उसके लिए मैंने बाय किया है ये मेबेलिन का न्यू लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर, आप देख सकते हो। इसमें जो है एक ये ब्रश आया है इस तरीके का, और एक ये टब आया है, तो इसमें है जेल आईलाइनर। ये अच्छा सा जेल आईलाइनर है एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन। तो मैं इसमें अपने ब्रश में इसको पिक कर रही हूँ, ठीक
ठीक है, आप देख लो। तो सबसे पहले मैं इससे ना काजल अप्लाई कर लूंगी, बिकॉज काजल भी कियारा आडवाणी ने काफी यू नो एक स्मज वाला लगाया है, मोटा एंड स्मज। तो चलिए जल्दी से काजल लगा लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से लगा लिया है मैंने। अब मैं मेबलिन की जो कलरफुल काजल पेंसिल है ये वाली, इसको भी यूज कर रही हूँ काजल लगाने के लिए। देन मैं इसको एक ब्रश की हद से स्मज कर लूँगी। अभी मैंने जो है थोड़ा सा मोटा काजल लगा लिया है, अभी मैं इसी ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मज करूंगी। ओके, तो इट्स डन नाउ। मैं अदर आई में भी करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, सो नाउ यू कैन सी बोथ द आईज में काजल अच्छे से लग गया है। उसमें उन्होंने जो है आईलाइनर बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ मस्कारा बहुत ही अच्छे से अप्लाई किया है। तो फॉर द मस्कारा आई हैव दिस हाइपर कर्ल मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन। तो ये इसी पैकेजिंग में आता है, चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा है, बिकॉज मैंने भी अभी ओपन नहीं किया है इसको। मैंने सोचा कि आपके सामने ही ओपन करूँगी। तो यस, इट इज गोइंग लाइक दिस। गाइस, मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है एज यू कैन सी, और काफ़ी वॉल्यूमिनस है ये मस्कारा, अच्छा लगा मुझे। तो चलिए अब हम जो है आईब्रोज बना लेते हैं अपनी। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का आईलाइनर। तो ये जो है जेल फॉर्म में है, तो इससे आईब्रोज भी बहुत ही अच्छे से बन जाएंगी आई गेस। तो चलिए जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं आईब्रोज। गाइस, आईब्रोज मेरी हो गई हैं। आईब्रोज कियारा आडवाणी की बहुत ही ज्यादा डिफाइंड और एकदम ब्लैक लग रही हैं, बट मैंने जो है इस तरीके की आई शेडो करी है, बिकॉज मेरा जो कलर है दैट इज नेचुरल ब्राउन कलर, तो इसीलिए मेरे पे ये वाला लुक अच्छा आया है। नाउ आई एम अप्लाइंग द आई शेडो फ्रॉम द आई शेडो पैलेट। तो मैं सबसे पहले ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, दिस शेड ओवर हियर एज माय ट्रांजिशन। इट इज़ जस्ट टू डिफाइन द आईलिड्स, दैट्स इट, बिकॉज उसमें कियारा आडवाणी के लुक में ज़्यादा यू नो आई शेडो पिक नहीं किया गया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ये पिंकिश काइंड का शेड। तो ये मैं जो है एप्लीकेटर ब्रश से अप्लाई करूँगी, बिकॉज ये जो है लिटिल बिट शिमरी है। सो इसीलिए तो हाइलाइटर के लिए है मेरे पास ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो हाइलाइटर। ये बहुत ही प्रिटी हाइलाइटर है, दिस वन इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। आप लोग भी मुझे बताना कि आपने मूवी देखी, आप लोगों को कैसी लगी। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी मूवी, बिकॉज मूवी है ही ऐसी कि यू नो एवरीवन इज गोइंग क्रेजी फॉर दैट मूवी। सो यस, तो अभी गाइस हमारा हाइलाइटर पुट ऑन हो गया है एज यू कैन सी। नाउ ब्लश की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो ब्लश मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कियारा आडवाणी के फेस पे कि बहुत ज़्यादा एकदम बॉम ब्लश अप्लाई किया हो, बट यस उनकी जो चीक्स हैं दैट इज नेचुरली यू नो ब्लश्ड। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन की लिपस्टिक, एंड इट इज़ इन द शेड 660 टच ऑफ स्पाइस। तो ये एक पिंकिश न्यूड शेड है, तो चलिए इसको अप्लाई कर लेंगे एज अ ब्लश। सो यस, मैंने जो है
पाउडरी ब्लश अप्लाई इसीलिए नहीं किया बिकॉज इट विल मेक द होल लुक वेरी वेरी केकी, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा ब्लश ब्रश, उसी से मैं ब्लेंड करूंगी। ओके गाइस, सो आप कम प्रोडक्ट्स की हेल्प से भी जो है बहुत ही अच्छे लुक्स बना सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल रिक्वायर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, सो कम प्रोडक्ट की हेल्प से भी आप बहुत ही अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। Now the blush is done and I am applying the same lipstick on my lips now because जो lips हैं that is also in you know pinkish nude color, तो हम यही वाला color जो है apply करेंगे। एक्चुअली गाइज दिस लिपस्टिक इज वेरी वेरी क्रीमी, तो हमें जो है क्यारा का लुक अचीव करने के लिए थोड़ा सा इसको यू नो ग्लॉसी बनाना होगा, तो उसके लिए आई एम गोना यूज दिस मेबेलिन बेबी लिप्स। सो यस, चलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं ऑन आवर लिप्स, ऊपर इसके लिपस्टिक के ऊपर लगा लेते हैं। ओके सो नाउ इट इज डन, जस्ट वन बिंदी इज लेफ्ट, सो आई विल बी कमिंग। मेरे पास ये वाला दुपट्टा भी है विच इज वाइट कलर दुपट्टा, तो इसके साथ में भी आई विल ट्राई दिस लुक। तो ओके, इसके साथ में ज्यादा सटल लग रहा है लुक, ये वाला दुपट्टा जो है ज्यादा ही पिंक हो गया, ये वाले दुपट्टे के साथ में एकदम अच्छा जा रहा है ये लुक। तो होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा मेरा कियारा आडवाणी का मेकअप लुक, और मैंने फर्स्ट टाइम ही कोई यू नो सेलिब्रिटी मेकअप लुक ट्राई किया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इट लाइक जरूर करना, मेरी बिंदी आपको विजिबल है या नहीं आई डोंट नो। सो यस, अगर आपकी कोई और भी प्यारी सी रिक्वेस्ट हो ना तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जल्दी से लेकर आऊंगी वाला वीडियो। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, जल्दी से बिल्कुल से स्टाइलिश। तो वैसे ठीक है गाइस, लव यू, बाय।